व्हाट्सअप गाइस, दिस इज वाचिंग एमकेवी टेक्निकल। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमन एक नए वीडियो के साथ फिर से आ चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सअप के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर हमें ये बताइए कि कैसे मैं एक ही नंबर से दो व्हाट्सअप चला सकता हूँ। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक ही नंबर से दो व्हाट्सअप चला सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल के आइकन पर आपको ऑल कर देना है ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि कैसे आप एक ही नंबर से दो व्हाट्सअप चला सकते हैं। फ्रेंड्स, लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर मुझे ये बताइए कि कैसे हम एक नंबर से दो व्हाट्सअप को चला सकते हैं और वो भी जेन्युइन तरीके से। जी फ्रेंड्स, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप ऑफिशियल तरीके से अपना एक ही नंबर पर दो व्हाट्सअप चला सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं अपने व्हाट्सअप को ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर व्हाट्सअप सर्च कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा यहाँ पर व्हाट्सअप है जो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारे यहाँ पर बहुत सारे चैटिंग भी पड़ा हुआ है, लेकिन हमें आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप एक नंबर से दो व्हाट्सअप चला सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि आपको, जैसा कि आप बहुत सारे लोगों को बताते हैं कि आप यहाँ से जाइए और यहाँ पर आप वेब व्हाट्सअप वेब से जा करके यहाँ से आप स्कैन कर लीजिए। लेकिन फ्रेंड्स, ये तरीका काफ़ी ओल्ड हो चुका है और इससे फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जब भी आप किसी का स्कैन करा रहे थे तो एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कुछ दिन बाद अपने आप ही वो जो आप स्कैन कराते थे वो हट जाता था। जी फ्रेंड्स, तो ऐसे आप में काफ़ी प्रॉब्लम काफ़ी लोग झेल रहे थे और इसी की वजह से लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर मैं इस तरीके से कर रहा था तो खुद ब खुद वो हट जा रहा था, और फ्रेंड्स ये तरीका काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। इसलिए आज हम आपको ऑफिशियल तरीका बताएंगे कि कैसे आप कर सकते हैं, तो आप वीडियो के साथ में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है आपको हम बता देते हैं। फ्रेंड्स, प्ले स्टोर पर जाना है, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद फ्रेंड्स आपको हम बता देते हैं यहाँ पर व्हाट्सअप वेब सर्च करना है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये व्हाट्सअप वेब फ्रेंड्स काफ़ी पुराना तरीका है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी सारे यूट्यूबर भी इस तरीके को बता चुके हैं, तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि इस तरीके को आपको करना नहीं है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम झेल सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स किसी का फ़ोन बार बार लेना और उसके बाद में स्कैन कराना और ये फिर लॉग आउट हो जाएगा, तो इससे आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर ये सब इंस्टॉलेशन नहीं कराना है, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। आपको सीधा आपको हम बताते हैं कि आप किस तरीके से कर सकते हैं ताकि आपका एक बार अगर आप लॉगिन हो जाए तो फिर दोबारा वो लॉग आउट ना हो, ताकि आपको ये सब प्रॉब्लम झेलना ना पड़े। तो फिर आपको हम बता दें आपको सबसे पहले करना क्या होगा। आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाना होगा। जैसे आप अपने क्रोम ब्राउज़र पर फ्रेंड जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर सर्च करना है, आपको यहाँ पर सर्च करना है व्हाट्सअप वेब। जैसे आप यहाँ पर व्हाट्सअप वेब सर्च करेंगे फ्रेंड्स, तो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डेस्कटॉप सेट कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने करके रखा है ऑलरेडी, तो एक बार मैं फिर से आपको करके दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पर डेस्कटॉप सेट कर लेना है। उसके बाद में फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है व्हाट्सअप वेब का। जैसा कि मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर मिल जाता है व्हाट्सअप वेब, आपको इस पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, ये मैं ऑफिशियल तरीके से आपको बता रहा हूँ ताकि आप एक बार लॉगिन हो जाएँ तो फिर दोबारा आप लॉग आउट ना हो, जब तक आप खुद ना चाहें, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो कुछ इस प्रकार से आपका जो पेज होगा ये ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में, यहाँ पर थोड़ा मैं जूम करता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पर मिल जाता है व्हाट्सअप वेब। फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि ये प्रॉब्लम फिर आपको दोबारा कभी ना झेलना पड़े। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो कुछ इस प्रकार से आपका जो पेज होगा ये ओपन हो जाएगा। अब फिर से हम यहाँ पर एक बार क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पर जा करके अपने व्हाट्सअप से इसको स्कैन कर लेना है। जैसे ही आप इसको स्कैन कर लेंगे फ्रेंड्स, तो आपका जो दूसरा वाला व्हाट्सअप होगा वहाँ पर भी और यहाँ पर भी एक ही नंबर से दो व्हाट्सअप आपके चलना स्टार्ट हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, हाँ, ये ऑफिशियल है, यहाँ पर आपका लॉगआउट भी नहीं होगा।
तो इस प्रकार से आप आसानी से अपने एक ही नंबर से दो व्हाट्सएप को आप यहाँ पर स्कैन करा सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू एंड धन्यवाद। जय हिंद।